नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने नेचुरल गार्डन से लौकी की इस सीजन की पहली हार्वेस्टिंग करेंगे और यह लौकी हमने बिल्कुल ही जंगल नुमा हिसाब से लगाई हुई है। लौकी की बेल के बराबर में लगी हुई घास से आप अंदाजा लगा सकते हैं और यह हरा कपड़ा हमने फल वाली मक्खी से लौकी को बचाने के लिए ढक रखा है। और यह देखिए, यह हमारी इस सीजन की पहली लौकी की हार्वेस्टिंग है और यह लौकी की बेल हमने बिल्कुल ही प्राकृतिक तरीके से उगाई हुई है। बहुत ही शानदार लौकी है और प्राकृतिक रूप से उगाने की वजह से इन सब्जियों का टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब होता है। बैंगन को भी हमने काले पॉलीथीन से कवर कर रखा है ताकि फल वाली मक्खी इन सब्जियों को कोई भी नुकसान न पहुंचा सके। हम अपने नेचुरल गार्डन में किसी भी प्रकार का केमिकल या पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करते, बल्कि प्राकृतिक रूप से गार्डनिंग करते हैं। कड़वे पत्तों का अर्क का स्प्रे भी करते हैं और जब मैंने गार्डनिंग की शुरुआत की थी तो उस समय सुभाष पालेकर जी की YouTube पर वीडियो देख रहा था तो उस समय उनकी एक बात ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। वह एक उदाहरण देकर बता रहे थे कि बड़े बड़े जंगलों के अंदर आम के और केलों के और फलों के पेड़ भी होते हैं और उन पौधों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होती। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपने नेचुरल गार्डन में वही प्राकृतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बड़े बड़े जंगलों के अंदर पेड़ों के पत्ते गिरकर अपने आप कुछ समय के बाद एक प्राकृतिक खाद का रूप ले लेते हैं। और धीरे धीरे हम बैंगन की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। इन बैंगन के फलों पर कांटे लगे हुए हैं, अगर ध्यान से देखें तो तब यह नजर आते हैं। और लीजिए, इस बैंगन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें कांटे नजर आएंगे। हमने बैंगन की भी हार्वेस्टिंग कर ली है और कुछ टमाटर की भी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। हमने इन टमाटर के पौधों से बहुत ही ज़्यादा हार्वेस्टिंग की है, लेकिन फिर भी इनके कुछ पौधों पर 5-5 किलो टमाटर उतर रहे हैं और इतने ज़्यादा टमाटर लगने का कारण यह है कि हम अपने नेचुरल गार्डन में किचन वेस्ट और फलों के छिलकों के हिसाब से गार्डनिंग करते हैं। हम पिछले 2 सालों से अपने नेचुरल गार्डन में अपने घर का किचन वेस्ट और फलों के छिलके डालते हैं। मल्चिंग का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारे ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ने लगी है और कुछ समय के बाद हमारे ज़मीन की इतनी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी कि पौधों में बहुत ही कम बीमारियाँ आएंगी और अगर कोई बीमारी भी आएगी तो पौधा अपने आप उसको सहन कर लेगा। टमाटर का साइज देखिए और यह टमाटर के पौधे हमने देसी बीज से तैयार किए हुए हैं। देसी बीज से तैयार किए हुए होने की वजह से इन टमाटरों का टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब होता है। यह खाने में बहुत ही खट्टे होते हैं और यह देखिए, गुच्छों में टमाटर लगे हुए हैं। और धीरे धीरे हम टमाटर की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। टमाटर की हार्वेस्टिंग की हम पूरी वीडियो नहीं बना रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है।
और लीजिए, यह है हमारी आज की हार्वेस्टिंग। आज हमने अपने नेचुरल गार्डन से 10 किलो के करीब टमाटर की हार्वेस्टिंग की है और कुछ बैंगनों की हार्वेस्टिंग की है और एक लौकी की भी हार्वेस्टिंग की है। यह लौकी की हार्वेस्टिंग हमने अपने नेचुरल गार्डन में पहली बार की है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।